नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल 18 में आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दत्त राजन जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकल 18 में। आपका सभी का और आपके दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप जो है भविष्यवाणी भी करते हैं, कब से आप भविष्यवाणी करते आ रहे हैं? ये हमारी 750 वर्ष की परम्परा है, हमारी अभी 36वीं पीढ़ी चल रही है। और हमने जो कहा था इसके पहले, जो कल्पनाएं थी कि जो नगर है वो स्वर्ग की तरह दिखेंगे, बच्चे हाथ को कान लगा के बात करेंगे, मुंह को पट्टी बांधेंगे, जंगल में गिट्टी खोदेंगे, विधवा औरत के बच्चे होंगे, और ये जो क्षत्रियों का खून क्षत्रियों को खराब होगा, वो परेशानी आएंगी, ये सब पहले ही हुआ है हमने। अब ये एक नई भविष्यवाणी होने वाली है हमारी कि जो तुलसी है उसको मिर्ची लगने वाली है, और 7 साल की लड़की को एशिया खंड में बच्चा होगा। तो अभी 8.5 साल के लड़की को बच्चा हो गया है चाइना में। तो ये वातावरण के साथ ये जो हमारा जो ज्योतिष है, हमका इसमें बोलते हैं हम भाडड़ी, तो इसे मैं वाशिक अंगुड़ी अंटे की भाषी, ये है ना अंगूठा ये। हाँ, महाराज जी, एक खेल से है सवाल हमारा। कुछ ही महीने बाद जो है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भारत बनाम पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है 14 अक्टूबर को। क्या लगता है, भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? हम एक जवाबदार व्यक्ति है, अगर हम अभी से घोषणा करते तो इसमें सट्टा बढ़ जाएगा, और कई लोगों ने अगर ये सट्टा लगाया और अगर हमारी भविष्यवाणी गलत होती है तो कोई आत्महत्या करेगी। इससे अच्छा है कि लोगों ने अपने विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, उलूल जुलूल बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसको सट्टा लगाना है तो वो लगा ही रहा है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है ज्योतिष? नहीं चाहते कि हमारे भविष्यवाणी के साथ किसी का नुकसान हो। अच्छा, तो फिर आखिरी सवाल ये बताइए कि 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, फाइनल मुकाबला कौन जीत रहा है, ये तो बता ही सकते हैं आप? भारत जीतेगा। भारत का यही है कि अभी आने वाले 20 वर्ष में भारत को कोई रोकने वाली किसी भी शक्ति रोकेंगी नहीं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, खेल हो, अध्यात्म हो, चिंतन हो, कृषि हो, शोध संशोधन हो, नए नए जो आयाम है वो रहेंगे, और भारत का भविष्य पहले भी शिखर पर था, आज भी 21वीं सदी उज्ज्वल भारत, भविष्य भारत का। अच्छा, भारत आज भी विश्व का नेतृत्व कर रहा है और करेगा। क्रिकेट मैच देखते हैं? अच्छा, भारत के जो है फाइनल में और कौन सी टीम पहुंच रही है फाइनल में? आप तो भारत को जिता ही रहे हैं, और कौन दूसरी टीम है जो खेलेगी फाइनल? उसमें ऑस्ट्रेलिया का योग ज्यादा रहेगा, विशेष करके पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के योग। 70% ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल में जा रही है, 70% ऑस्ट्रेलिया जाएंगे फाइनल। पाकिस्तान का उसका दूसरा नंबर भी रहता है, उसका खेल में पिछड़ा हो रहा आ गया है, दूसरे नंबर पर रहेगा, 80% तक भाग होगा उसका। भारत की तरफ से कौन मारा इस बार चलने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो, पूरे टूर्नामेंट की जो है उसमें 5 से ज्यादा नए खिलाड़ी आएंगे। हाँ, नए चेहरे को महत्व मिलेगा। अगर शतक की बात करें कि 100 से ज्यादा रन, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो बनाने वाले हैं भारत की तरफ से? 4 खिलाड़ी 100 से ज्यादा रन बनाएंगे, अग्रणी जिसके नाम पर क रहेगा वो खिलाड़ी ज्यादा रहेगा। यानी क का मतलब है भगवान कृष्ण, र का मतलब है राम, और स का मतलब भगवान शिव। तो कितने शतक मारेगा इस बार? विराट कोहली को अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर थोड़ा नज़र दोष हटाना पड़ेगा। उसके चाचा जो है उनसे, जितेंद्र कोहली जो आजकल भिलाई में रहते हैं, उनके हमारे चर्चा हुई है, तो उनको हमने बताया, चाहे तो मैं उसका नंबर दे सकता हूँ आपको, जितेंद्र कोहली का बात कर। नंबर नहीं चाहिए, सवाल ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 में विराट कोहली कितने शतक मारने वाला है? उसमें बता ना, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं पिछले एक साल से? कहाँ ले रहे हैं, जब भी टाइम मिलता है वृंदावन जाते हैं, करौली धाम जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है अध्यात्म सहारा। करौली बाबा जो है ये बहुत सिद्ध पुरुष है और बड़े सिद्ध साधक रहे, वो उसको तांत्रिक तो नहीं कह सकते अपने, कि साधक कह सकते हैं, सिद्ध साधक है वो। कितने हैंड्रेड मारने वाले हैं, 4, 5, 6 कितने वर्ल्ड कप में? 2 से ज्यादा नहीं मार पाएंगे। विराट कोहली केवल 2 शतक मारेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो भी अध्यात्म का सहारा लेगा तो। अच्छा। हाँ, नहीं तो परेशानी भी बढ़ सकती है। रोहित शर्मा कितने शतक मारेगा? रोहित शर्मा का भविष्य उज्ज्वल है, अच्छा रहेगा। कितने शतक? औसत अच्छी रहेगी, सबसे ज्यादा औसत उसकी रह सकती है। औसत तो रहेगा, हम शतक की बात कर रहे हैं, कितना शतक मारेगा? दो शतक उनका भी योग बन रहा है वो, यानी ये मेदिनी ज्योतिष का हम आधार देख रहे हैं, तो मेदिनी ज्योतिष के आधार पर 2 शतक मारने के संयोग बन रहे हैं।
और कुछ भविष्यवाणी करना चाहते हैं आप भारत को लेकर या फिर महामारी को लेकर या फिर राजनीति क्षेत्र में किसी और क्षेत्र में? या अभी ये परिवर्तन का समय है, हर जगह में हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा, लेकिन भारत का पंचम शिखर पर था, शिखर पर रहेगा, शिखर पर चल रहा है। आने वाले समय में 2030 के पहले पहले हमने भाषावाणी की थी कि अमेरिका मूल भारतीय अमेरिका का राष्ट्रपति बना जो कमला हैरिस के रूप में देखते हैं। आज भी हमारे कई दावेदार हैं, सुनक भी उसमें से एक है, जिसने हमको गुलाम बनाया उसके ऊपर हम खुद ही राज कर रहे हैं। सुनक, आपने इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या भविष्यवाणी की? सर इंदिरा जी के लिए लिखा था हमने, इंदिरा जी राजनीति के कगार पर होगी, अटल बिहारी का सितारा बुलंद होगा, सारे पक्ष एक हो जाएंगे, कुछ समय के लिए चंद्रशेखर का भी योग आएगा।